सेक्स कॉन्टेस्टेंट रोमिल चौधरी ने शिव ठाकरे को बताया फुटेज का भूखा। काफी ज्यादा है डिसअपॉइंटेड शिव के गेम प्लान से, गेम स्ट्रेटजी से। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि शिव ठाकरे ऑलरेडी बिग बॉस मराठी के विनर रह चुके हैं, तो शिव के पास ज्यादा से ज्यादा वेल आइडियाज है, स्ट्रेटजीज है, एंड ही नोज कि कैसे क्या करना है। लेकिन अब ऐसे में शिव ठाकरे से बिग बॉस के एक्स कॉन्टेस्टेंट रोमिल चौधरी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा डे बाई डे जो शिव के परफॉर्मेंसेज हैं वो डिग्रेड करते जा रहे हैं। पहले शिव काफी अच्छा खेल रहा था, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि शिव जो है वो फुटेज का भूखा है। फुटेज के लिए वो बार बार कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि बेहद ही ज्यादा फालतू लग रही है। हालांकि हु इज शिव, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन स्टिल मुझे शिव के गेम्स अच्छे नहीं लग रहे। रोमिल का साफ तौर पर ये कहना है कि शिव स्टार्टिंग डेज में काफी एक सेट माइंडसेट के साथ आए थे और काफी अच्छा गेम खेल रहे थे, लेकिन टाइम के साथ डे बाय डे वो परफॉर्मेंसेस गिरती गई और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे शिव जो है वो फुटेज का भूखा है। तो ऐसे में आपको भी क्या इस पर आप एग्री करते हैं कि शिव इन दिनों जो भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि सिर्फ उन्हें कॉन्टेंट मिले, और शिव फुटेज के भूखे हैं इस वजह से ऐसे कर रहे हैं? आप अपने रिएक्शन बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में कि आप रोमिल चौधरी की बातों से सहमत है या नहीं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।